हेलो फ्रेंड्स, तो आज जानते हैं कि आदिपुरुष कैसी मूवी है। अभी मैं देख के आ रहा हूँ और आप लोगों को इस मूवी का फुल रिव्यू दूंगा। कैसी मूवी है, आपको देखनी चाहिए कि नहीं, मूवी में किस तरीके के कैरेक्टर है, कैसी मूवी आगे प्रोसीड करती है, इसके लिए आप ये को एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में इसे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आज आदिपुरुष देख ली है और बात करें आदिपुरुष मूवी की रिगार्डिंग, तो इसमें हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, रामायण के ऊपर पूरा बेस है और इसी आप लोग भी जाने होंगे रामायण के बारे में, तो एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से जानते हैं रामायण को, वो पूरा रामारण सागर की रामायण जो हम लोग ने दूरदर्शन पर देखी हुई है उसी पर बेस हम लोग सब इसको जानते हैं। अब बात करें मूवी की, तो मूवी पे सबसे पहले हम लोग को कि जो ग्राफिक्स या स्टार्टिंग के किरदार की जो लुक हम लोग को देखने मिलती है वो काफ़ी डिफरेंट है, जो हम लोग बेसिकली रामायण सागर वाली है दूरदर्शन पे जो रामायण देखी हुई है इससे काफ़ी डिफरेंट है। हम लोगों ने पढ़ी होगी बट रियलिटी में जो देखते हैं या किरदारों के बारे में जानते हैं वो जानते हैं उसी रामायण सागर वाली रामायण से। अब मूवी पे बात करें तो इसके हमको कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, किरदार की लुक डिफरेंट मिलेगी, ग्राफिक्स का अच्छा खासा यूज़ हुआ है और पूरी स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें हमको स्टोरी पूरी नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न मूवी बनाई गई है वो खींच तान के भी इसमें 3 घंटे से कम की नहीं हो पाई और इससे अगर बड़ी करेंगे तो वो 4-5 घंटे जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग को थकान भरा लगेगा। अब बात करें इसके मिड सेक्शन की, तो इसमें हम लोग को मूवी जो है वो पेस ठीक ठाक मिलती है, सारे आपको स्टोरी लाइन नहीं मिलेगी रीज़न क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसको हम पूरी तरीके से देखते तो उस वजह से इसको बीच बीच में कट करके दिखाई हुई है, बट एट द एंड इसमें सही सेम की ग्राफिक्स का अच्छा यूज हुआ है और एग्जैक्टली हमको वो रामायण सागर वाली जो रामायण एक्सपेक्ट करते हैं वैसी देखने को नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल ठीक है, मॉडर्न वे में बनाई हुई है, थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हाँ रामायण आप देखने जा रहे हैं, स्टोरी पता होने की वजह से आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा लूज फील होगा है यहाँ ऑल वी नो ऑलरेडी, बट ओवरऑल ओके, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग वैसा वैसा कुछ फील नहीं आएगा, बहुत एक्सेप्शनल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वैसा भी आपको स्टोरी में देखने को कुछ नहीं मिलेगा ड्यू टू दिस स्टोरी कि आपको स्टोरी या रियल फैक्ट आपको ऑलरेडी पता है इस वजह से, तो आप देखने जा सकते हैं मूवी के बारे में कोई इश्यू नहीं है। फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।